व्हाट्सअप दोस्तों, कार मास्टर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजन शर्मा एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंडियन ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल के बारे में जो अपने कुछ पर्सनल मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए उन हजारों लाखों व्यूअर्स के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिनके दम पे उसका चैनल चल रहा है एंड जिनके दम पे उसका करियर तक बना है। एंड आई फील अशेम्ड टू से कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ जहाँ पे एज सच हजारों अच्छे और जेन्युइन कार रिव्यूअर्स और एक्सपर्ट एग्जिस्ट करते हैं, बट देन उस कम्युनिटी में ऐसे भेड़िए भी हैं जो सिर्फ अपने कुछ पर्सनल लालच के लिए उन पर भरोसा करने वाले व्यूअर्स के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन यूट्यूब चैनल मोटर ऑक्टेन और उसके प्रेजेंटर रचित हिरानी की। देखिए, सबसे पहले तो मोटर ऑक्टेन को अपना नाम मोटर ऑक्टेन नहीं बल्कि टाटा ऑक्टेन रख लेना चाहिए एंड रचित हिरानी को अपना नाम रचित के बजाय हैरियर, नेक्सॉन, टियागो या टाइगोर हिरानी या फिर एल्ट्रॉस हिरानी रख लेना चाहिए। अब ये पेड रिव्यूज करता है या इसका पर्सनल इतना बायस है टाटा की तरफ कि इतनी ज़्यादा वाहियात और गलत सलाह देता है आप लोगों को कि अगर आपने इसकी सलाह मानकर गाड़ी खरीद ली, इस पर भरोसा करके गाड़ी खरीद ली, देन यू आर इन डीप ट्रबल एंड आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने गहरे खड्डे में आप अपना पैसा फेंकने जा रहे हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है बट देन आई एम कंसर्न्ड अबाउट द मनी ऑफ द जनरल व्यूअर्स। मुझे फिक्र है उन व्यूअर्स की जो इसकी सलाह मान के गाड़ियाँ खरीदते हैं, क्योंकि इसको तो गलत सलाह देने के पैसे मिल जाएंगे बट आपके तकरीबन 10 से लेके 20 लाख रुपए इजीली डूब जाएंगे। इसका कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा एंड उसी की वजह से मुझे ये एक आई ओपनिंग वीडियो लेकर आनी पड़ी है। मैंने इस वीडियो में इस चैनल की तकरीबन पिछले 5-6 महीने की ही वीडियोस को कवर किया है मेनली, क्योंकि उससे ज़्यादा जंक मैं देख नहीं सका। चाचा, ये सबर है क्या, मेरे को यही देखने का है क्या? सारा कुछ मैं एक्सपोज करूंगा इस चैनल को इस वीडियो में, विद प्रूफ दिखाऊंगा। एंड आपको पहले ही बता दूं, अगर आप मोटर ऑक्टेन फैन हैं या टाटा मोटर्स के फैन हैं तो आप अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जो सच देखना चाहते हैं, जो एकदम न्यूट्रल माइंडसेट के साथ हर चीज को एनालाइज करते हैं, तो आप जरूर इस वीडियो के साथ बने रहिए। विद प्रूफ दिखाऊंगा सारा कुछ ताकि किसी को भी कोई भी शक ना रहे। देखिए, मैं टाटा मोटर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप टाटा की गाड़ियों से भी बेहतर गाड़ी को इतना नीचे दिखाएं और टाटा की गाड़ी को झूठ बोलकर इतना ऊपर दिखाएं कि व्यूअर अंधा होके आपकी बात मान ले, तो ये चीज़ गलत है। आप व्यूअर को मिसगाइड कर रहे हो। कोई व्यूअर आपको एक्सपर्ट मान के आपकी अगर सलाह ले रहा है तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसको जेन्युइन सलाह दें और उसको गाइड करें कि इसको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए विदाउट एनी बायस टूवर्ड्स एनी कंपनी। स्पॉन्सर अगर आपको टाटा मोटर्स कर रहा है, इट्स ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे ब्रांड्स की कार्स को इतना ज़्यादा डिग्रेड करके दिखाएं एंड टाटा की कार्स को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं जो कि सच भी ना हो, कि जो व्यूअर है वो कोई गलत डिसीजन ले ले। हार्ड अर्न मनी होता है एक व्यूअर का। आपको नहीं पता कितनी मेहनत से कोई 10 से लेके 20 लाख रुपया लगा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, कितनी मेहनत से उसने वो पैसा कमाया है, लेकिन ये लोग अपने पर्सनल मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए ही आपका सारा पैसा डुबो देते हैं एंड वही अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि मैंने एक कॉमेडी चैनल भी शुरू किया है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसमें मैं लाइट हार्टेड एंड फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी वीडियोज डालता हूँ, सो आई रिक्वेस्ट यू टू चेक दैट चैनल आउट, चेक द वीडियोज आउट एंड अगर आपको वो पसंद आए, अगर आपको हंसी आए वीडियोज से, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड वैसे भी एक बहुत जेन्युइन सी बात है कि आफ्टर सम सीरियस टॉक अबाउट कार्स, इट्स ऑलवेज गुड डिटॉक्स योरसेल्फ विद सम लाइट हार्टेड कॉमेडी, सो डू चेक इट आउट। और शुरुआत करते हैं इस चैनल की अमंग्स द लेटेस्ट वीडियोस जो कि क्रेटा 2020 वर्सेस हैरियर। तो अब अगर आप सोच रहे कि क्रेटा और हैरियर सेम सेगमेंट की है तो वो बात सही नहीं है, क्योंकि हैरियर एक सेगमेंट बड़ी है देन द क्रेटा। हाँ, दोनों 5 सीटर्स है पर दोनों का एक सेगमेंट का डिफरेंस क्लियरली आ जाता है और इस वजह से आपको प्राइसिंग में भी अंतर क्लियरली दिखाई देगा। देखा आपने कैसे ये टाटा हैरियर के 3.5 लाख रुपए महंगे प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है आपकी आंखों के सामने ही, आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। इसका मतलब ये बंदा ये आपको सलाह दे रहा है कि अगर
साइज में डिफरेंस है तो सेगमेंट भी एकदम बदल जाता है। अब ये चीज़ें अंडर 4 मीटर जो सेगमेंट होता है उसमें मैटर करती है, लेकिन अबव 4 मीटर जो ये वाला पूरा सेगमेंट है, दिस इज द मिड साइज SUV सेगमेंट। इसमें निसान किक्स से लेके MG हेक्टर XUV500 तक सारी गाड़ियां आती हैं। ये एक कंप्लीट सेगमेंट है, इसमें आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हैरियर ऊपर के सेगमेंट के और क्रेटा नीचे के सेगमेंट के, इसलिए हैरियर महंगी है। इस लॉजिक से तो जो होंडा CRV और फॉक्सवैगन टिगुआन है वो एंडेवर और फॉर्च्यूनर से कम्पीट ही नहीं करती। जो ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस इंडिया में आती है उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ ऑडी A6 या फिर BMW 5 सीरीज से, क्योंकि साइज ई क्लास का इतना बड़ा है, क्योंकि साइज फॉर्च्यूनर और एंडेवर का इतना बड़ा है उनके कंपेटिटर से। सेल्समैन तक नहीं है ये लोग ढंग के। अब अगर हम डिजाइन की बात कर ले दोनों गाड़ियों की, तो दोनों के डिजाइन अलग है। क्रेटा का डिजाइन ज्यादा बॉक्सी है, वेयरएज हैरियर का डिजाइन काफी स्ट्रीमलाइंड है। अब इन भाई साहब को क्रेटा का डिजाइन बॉक्सी लगता है और हैरियर का डिजाइन स्ट्रीमलाइन लगता है, मतलब ये इतना बिक चुका है कि ये किसी नॉन टाटा कार के डिजाइन को भी इतने गलत तरीके से बताएगा कि ठीक है रेयर एंड डिजाइन क्रेटा का बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल है, इट लुक्स अगली, इट माइट लुक गुड टू समवन, बट मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन यही है कि इट लुक्स क्वाइट अनकन्वेंशनल इफ नॉट अगली, बट साइड से एंड फ्रंट से गाड़ी अच्छी दिखती है, इट लुक्स जेन्युइनली गुड। ऑफ कोर्स हैरियर का डिजाइन ज्यादा बेटर है ओवरऑल, मैं इस चीज को मानता हूँ, बट आप इतनी ज्यादा डिग्रेड करोगे दूसरे कार के डिजाइन को जो कि सच भी नहीं है, वो वाले फैक्ट्स आप बता रहे हो, तो ये चीज डेफिनेटली गलत है। अगर आपकी ड्राइविंग 50 किलोमीटर से कम है पर डे, देन इन दैट केस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेटा की मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक ले लो, क्रेटा DCT 1.4 लीटर टर्बो, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त पैकेज रहेगी। अब देखिए 50 किलोमीटर अगर डेली कार चल रही है, इसका मतलब यही है कि मेनली एक बंदा रेकमेंड कर रहा है कि आप सिटी यूज के लिए DCT वेरिएंट खरीदिए क्रेटा का, एंड सिटी ड्राइव का मतलब ये है कि आपको ट्रैफिक और हैवी रश एनकाउंटर करना ही पड़ेगा, एंड उस सिनेरियो के लिए ये बंदा आपको DCT गियरबॉक्स रेकमेंड कर रहा है। अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, अगर आपको ये लगता है कि मेरा चैनल अभी थोड़ा छोटा है, आई एम नॉट एज बिग एज अ कार एक्सपर्ट, हालांकि ये भी कार एक्सपर्ट नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, बट ये बंदा खुद कहता है कि DCT और DSGs इंडिया में सस्टेन इसलिए नहीं करते, उनमें रिलायबिलिटी इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि इंडिया में जो हीट है वो ये गियर बॉक्सेस विदस्टैंड नहीं कर सकते, एंड दूसरी तरफ ये बंदा खुद कह रहा है कि ट्रैफिक के लिए आप DCT गियर बॉक्स यूज करो। इंडिया में उनको थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द हीट एंड एनवायरमेंटल डस्ट एंड ऑल दैट, तो इंडिया में DSG और फोक्सवैगन में इश्यूज आए हैं, मतलब नॉर्मल या हाईवे ड्राइव पे गाड़ी के कंपोनेंट ज्यादा हीट अप होते हैं, एंड ट्रैफिक में गाड़ी ठंडी रहती है, ट्रैफिक में ज्यादा फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स, एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन ब्रेकिंग क्लच एंगेजमेंट इतना कुछ चल रहा होता है इतनी फ्रीक्वेंटली, उससे गाड़ी में वेयर एंड टेयर और हीट कम जनरेट होती है, लेकिन स्मूथ हाईवे ड्राइव्स पे गाड़ी में हीट ज्यादा आती है और इसी वजह से ये आपको DCT रेकमेंड कर रहा है ट्रैफिक के लिए। अब किसी भी एक्सपर्ट से पूछ के देखिए, DCTs आर जस्ट नॉट मेंट फॉर सिटी ड्राइव और ट्रैफिक सिनेरियोस। कोई भी नॉलेजेबल बंदा आपको यही सलाह देगा कि अगर आप सिटी यूज के लिए देख रहे हैं, आप हैवी ट्रैफिक एनकाउंटर करते हैं, तो आपको टॉर्क कन्वर्टर या फिर CVT ऑप्शंस के लिए जाना चाहिए जो क्रेटा के 1.5 डीजल और पेट्रोल रिस्पेक्टिवली में आपको मिलते हैं। और ये भाई साहब देख लो आपको कैसी सलाह दे रहे हैं, और खुद को ये बंदा आपका अपना कार एक्सपर्ट कहता है। एक विनर इसमें क्लियरली बताना तब पॉसिबल होगा जब हम इन दोनों का फेस टू फेस कंपैरिजन करेंगे। अब इधर इस बंदे को पता है कि हैरियर को स्ट्रेट अवे विनर नहीं डिक्लेयर कर सकता ओवर द क्रेटा, बिकॉज क्रेटा हैज बेटर प्राइसिंग फीचर्स, फ्यूल इकोनॉमी, रीसेल, आफ्टर सेल्स, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इक्वली कंफर्टेबल सीट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस हियर, मैं सिर्फ सीट कंफर्ट की बात कर रहा हूँ। स्पेस हालांकि क्रेटा में हैरियर जितनी नहीं है, बट बिल्ड क्वालिटी जो है दोनों कार्स एनकैप के लिए टेस्ट नहीं करी गई है, तो इट्स नॉट क्लियरली सेफ टू से कि क्रेटा और हैरियर के सेफ्टी रेटिंग्स में फर्क होगा। हाँ, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी हैरियर की सॉलिड जरूर अपीयर होती है, बट देन जब तक टेस्ट ही नहीं करे हैं आप लोग नहीं कह सकते कि क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है हैरियर के। हैरियर क्रेटा को सिर्फ राइड कंफर्ट, स्पेस और परफॉर्मेंस में ही हरा सकती है।
अब यहाँ पे इसको पता है कि स्ट्रेट वे ये क्रेटा को हरा नहीं सकता, तो इससे ये वीडियो ये कह के एंड कर देता है कि हेड ऑन लाने के बाद ही हम इस कंपैरिजन को डिसाइड कर पाएंगे, जबकि इसकी पिछली इतनी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं बिना हेड ऑन कंपैरिजन के, इसी तरह के कंपैरिजन से ये स्ट्रेट वे विनर डिक्लेयर कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकता, इसीलिए ये इसको ऐसे मैनिपुलेट करके दिखा रहा है। पूरी वीडियो में इसने हैरियर की तारीफ करी है, लेकिन एंड में ये बंदा आपको स्ट्रेट अवे कह देता है कि अभी मैं हेड ऑन कंपैरिजन करके ही आपको चीज बता सकता हूँ। ये क्या बात करता है यार, वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। अब आते हैं सेल्समैन की अगली वीडियो पे। ये कंपैरिजन है EcoSport BS6 और Nexon BS6 का। However, एक disappointment है कि Ford EcoSport का डिजाइन बहुत पुराना हो चुका है। ये गाड़ी का लॉन्च हुआ था in 2013 और अभी भी ये गाड़ी बरकरार है on sale with the same design with minor tweaking। तो यहाँ पे हमें इस बात का disappointment हुआ। तो भाई एक generation continue हो रही है EcoSport की। 2017 में उसका facelift आया, उसमें front fascia पूरी तरह Ford ने change किया, alloy wheels तक Ford ने change करे हैं। जस्ट लाइक वॉट टाटा हैज डन विद दी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। कौन सा कंप्लीट रीडिजाइन करके आपको टाटा ने नेक्सॉन लॉन्च करके दिए फेसलिफ्ट के साथ। मतलब नेक्सॉन में फेसलिफ्ट आ रहा है वो इसको बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन EcoSport में फेसलिफ्ट के नाम पे इसको कंप्लीट रीडिजाइन चाहिए था। एंड आप लोग आज भी अगर जनरल पब्लिक का व्यू लेंगे ना, EcoSport का डिजाइन स्टिल लुक्स प्रिटी कंटेम्प्रेरी एट पार विद ऑल दी कॉम्पैक्ट SUVs इन दिस सेगमेंट। ये मैं नहीं कहता, ये जनरल व्यूअर्स का ओपिनियन है कि EcoSport स्टिल लुक्स प्रिटी गुड डिसेंट एंड कंटेम्प्रेरी। बट देन ये सेल्समैन है टाटा का, ये दूसरी गाड़ी को इतना ज़्यादा नीचा दिखाएगा कि आप लोग ये सोचेंगे कि फोर्ड ने कंप्लीट रीडिजाइन ना देकर एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। सेकेंड डिसअपॉइंटमेंट फोर्ड ने हमें तब दिया था जब उन्होंने इस गाड़ी में कुछ नए फीचर्स नहीं इंट्रोड्यूस किए। सो अगेन दैट इज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन फॉर द फोर्ड इटसेल्फ। आई विश वो लोग ने थोड़े और चेंजेस किए होते थे इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट फीचर्स, अगर डिजाइन नहीं करना था उनको। अरे EcoSport में नेक्सॉन से ऑलरेडी ज्यादा फीचर दे रहे हैं यार, और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि EcoSport नेक्सॉन से पुरानी कार है, इट स्टिल हैज मोर फीचर्स एंड टॉप एंड वेरिएंट्स EcoSport के नेक्सॉन से सस्ते मिल रहे हैं। ये चीज ये आपको नहीं बताएगा, और आगे जाके बिलीव मी ये बंदा खुद बोलेगा कि मुझे EcoSport के फीचर से कोई कंप्लेन नहीं है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑफ नेक्सॉन इसका बेस मॉडल पेट्रोल चालू होता है 6.95 लाख एक्स शोरूम, यानी कि लगभग 7 लाख रुपए एक्स शोरूम से चालू होता है, और टॉप एंड जो डीजल मैनुअल जाता है ठीक है वो है 11.2 लाख रुपीज। वेराज जो फोर्ड आती है EcoSport, उसका बेस मॉडल 8 लाख से चालू होता है, जो 1 लाख ज्यादा है ओवर द टाटा नेक्सॉन। और EcoSport का जो टॉप एंड डीजल मैनुअल है, क्योंकि मैनुअल है दोनों में तो फिलहाल हम मैनुअल ही कंपेयर करें, उसकी प्राइस जाती है लगभग 11.7 लाख एक्स शोरूम, यानी कि लगभग 50,000 रुपए ज्यादा है ओवर द टाटा नेक्सॉन इन प्राइसिंग प्योरली। अब नेक्सॉन और EcoSport के पेट्रोल बेस वेरिएंट्स के प्राइसेस को तो इसने बहुत एग्जैजरेट करके बताया कि 1-1.5 लाख रुपए का फर्क आता है, लेकिन अगर ये एक सच्चा रिव्यूअर होता ना, ये आपको एक चीज जरूर बताता कि डीजल वेरिएंट्स की प्राइसिंग ऑलमोस्ट बराबर है, एंड नेक्सॉन डीजल का टॉप एंड वेरिएंट EcoSport के टॉप एंड वेरिएंट से महंगा आता है। लेकिन इस बंदे ने तो हद ही कर दी, ये नेक्सॉन को EcoSport से 50,000 रुपए सस्ता बता रहा है डीजल मैनुअल वेरिएंट्स को। आप खुद किसी भी वेबसाइट पे जाके ये क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको पिक्स भी दिखा दूंगा, जहाँ हर वेबसाइट पे यही आपको शो होगा कि नेक्सॉन का जो टॉप एंड वेरिएंट है डीजल मैनुअल, दैट इज फार मोर एक्सपेंसिव देन द EcoSport। किधर है 50,000 रुपये महंगी EcoSport? मतलब किसी चीज़ की पेड प्रमोशन में बंदा इतना नीचे गिर सकता है कि साफ साफ आपको शरेआम झूठ बोल रहा है ये बंदा। I'm clearly surprised and I believe कि व्यूअर्स भी उतना ही ज़्यादा सरप्राइज होंगे जितना मैं हुआ था। कि इस इंजन का माइलेज इज नॉट रियली इन इट्स फेवर, क्योंकि ये गाड़ी अगर आप चलाएंगे तो आपको सिटी में से अबाउट
8 से 11 का एवरेज मिलेगा, वेर एज अगर आप चलाएंगे मैनुअल तो आपको मिलेगा से अबाउट 9 से 12 मैक्सिमम। मैं एकदम मैक्सिमम लेवल बोल रहा हूँ, मैक्सिमम, मैं एकदम मैक्सिमम लेवल बोल रहा हूँ। हाँ, अगर मैं टाटा नेक्सॉन की माइलेज की बात कर लूँ ना, तो पेट्रोल आपको लगभग 10 से 13 का एवरेज देगी, चाहे आप मैनुअल या एएमटी की बात कर लो। अब यहाँ पे देखिए, इसने पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के तो माइलेज ठीक बताई है, लेकिन नेक्सॉन ऑटोमेटिक को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने के चक्कर में ये बताना भूल कि ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स वाली कार्स हमेशा कम माइलेज देती है। एंड ये अब मैं ही नहीं, ये खुद भी अपनी आगे की वीडियोस में ये चीज बोलेगा कि नेक्सॉन ऑटोमेटिक तकरीबन 1 किलोमीटर पर लीटर कम माइलेज ही देगी आपको एज कम्पेयर टू दी नेक्सॉन मैनुअल। एंड यहाँ पे ये पेट्रोल वेरिएंट्स के तो माइलेज बड़े दिल से आपको बता रहा है, लेकिन इसने डीजल वेरिएंट्स के माइलेज आपको क्यों नहीं बताई? एंड माइलेज में 1 किलोमीटर पर लीटर के फर्क को भी ये आदमी रिपब्लिक न्यूज के रिपोर्टर्स की तरह इतना बढ़ा चढ़ा के आपके सामने रख रहा है। 9 से 12 मैक्सिमम, मैं एकदम मैक्सिमम लेवल बोल रहा हूँ। एंड ये चीज तो ये बंदा भूल ही गया या आपको बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये एक टाटा सेल्समैन है, कि स्मॉल कैपेसिटी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को अगर आप एंथुजियास्टिकली चलाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि माइलेज आप 6 किलोमीटर पर लीटर तक भी देख सकेंगे। बस आप RPM नीडल 3000 RPM से ऊपर एक बार ही लेके जाइए, एंड माइलेज का ड्रॉप देखना कितना ज़्यादा आता है एक स्मॉल कैपेसिटी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में। बट ये चीज़ ये आपको कभी नहीं बताएगा। इट्स अ डीजल इंजन, टाटा हैज बीन नोन टू बी अ ग्रेट डीजल इंजन मेकर, प्लस उनकी जो पेट्रोल इंजन है दैट हैज सीन अ गुड अपडेट। क्या टाटा ग्रेट डीजल इंजन मेकर रहा है? आई मीन जिन गाड़ियों में इन्होंने खुद के डीजल इंजन यूज करे हैं, सफारी, इंडिका, इंडिगो, एरिया, हेक्सा एंड वॉट नॉट, जिन गाड़ियों में इन्होंने अपने खुद के डीजल इंजन यूज करे हैं पहले भी, उनमें इतनी ज़्यादा इंजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड रिलायबिलिटी इश्यूज रहे हैं जिसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वाइडली नोन फैक्ट कि टाटा के इंजन भी रिलायबल नहीं रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि टाटा हैज़ बीन अ वेल नोन डीजल इंजन मेकर, ये चीज़ भी फॉल्स है। अगर टाटा इतना ही बड़ा ग्रेट डीजल इंजन मेकर है, तो क्यों इन्होंने अपनी छोटी कार में भी फीएट सोर्स 1.3 लीटर मल्टीजेट इंजन यूज किए? क्यों ये लोग हैरियर में भी FCA का ही 2.0 मल्टीजेट इंजन यूज कर रहे हैं? अगर ये इतने ही ग्रेट डीजल इंजन मेकर्स हैं, तो ये अपने खुद के इंजन अब क्यों नहीं लगा रहे? सिर्फ नेक्सॉन को छोड़ के इनके पूरे लाइनअप में इनका खुद का एक भी डीजल इंजन नहीं है। अब हेक्सा में, हेक्सा इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सेलर, हेक्सा के आप कहीं भी देख लीजिए आगे जाके। ऑफ कोर्स अब 40-45 हज़ार किलोमीटर पे नहीं आ रही इश्यूज, लेकिन 70-80 हज़ार किलोमीटर्स के बाद जाके इनके डीजल इंजन अभी तक भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली सॉर्टेड आउट। पर ये सेल्समैन है, ये थोड़ी ना बोलेगा कि मेरी कंपनी पीछे भी गलतियां करती आई है, जिस हिसाब से ये झूठ बोल रहा है, I'm literally afraid कि ये बंदा ये ना बोल दे कि नेक्सॉन की मेंटेनेंस कॉस्ट और रीसेल वैल्यू Hyundai Venue के बराबर के। I'm scared कि ये बंदा ये चीज ना बोल दे। Shit। अगर आपको डाउट है कि यू नो व्हाट कुड बी द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ टाटा नेक्सॉन, तो हमने नेक्सॉन पे लगभग 5 वीडियोस बनाए हैं ऑन लॉन्ग टर्म, ऑन द प्रीवियस कार ऑफ कोर्स, पर क्योंकि गाड़ी टेक्निकली वही है विद अपग्रेड्स एंड फीचर्स एंड नॉट मच ऑन मैकेनिकल्स, तो आप हमारा वो वीडियोस देख सकते हैं जाके। आई कैन लीव द लिंक इन द आई बटन फॉर यू। इसमें आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा कि नेक्सॉन का परफॉर्मेंस कैसा है इन द ओवरऑल रन एंड हमें क्या कॉस्टिंग पड़ी ऑन द कार एट डिफरेंट लेवल्स। अब सिर्फ 2 साल और 56,000 किलोमीटर्स नेक्सॉन को चला के ये बंदा आपको कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि नेक्सॉन में रिलायबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे, नेक्सॉन के मेंटेनेंस कॉस्ट सस्ती है, नेक्सॉन के स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते हैं। सिर्फ 2 साल और 56,000 किलोमीटर्स, यानी कि वारंटी तक नहीं अभी तक गाड़ी की क्रॉस हुई, सिर्फ उसी पीरियड में चला के आपको कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोल रहा है कि नेक्सॉन इको स्पोर्ट के मुकाबले आपको सस्ती पड़ेगी मेंटेन करने में, नेक्सॉन के स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट इको स्पोर्ट के स्पेयर पार्ट से सस्ती होगी एंड नेक्सॉन की रिलायबिलिटी इको स्पोर्ट से बेटर होगी। मतलब जो गाड़ी 7 साल से चलती आ रही है उसकी रिलायबिलिटी मैटर नहीं करती, जो इतनी ज़्यादा प्रूवन गाड़ी है उसकी रिलायबिलिटी मैटर नहीं करती,
लेकिन जो गाड़ी अभी तक भी मैक्सिमम लोगों के पास वारंटी फेज में ही चल रही है, 3 साल पूरे भी नहीं हुए हैं उस गाड़ी को लॉन्च हुए हुए, उस गाड़ी के लिए ही अच्छी या फिर बेस्ट रिलायबिलिटी क्लेम कर रहा है। जस्ट इमेजिन आप कैसे से रिव्यूअर्स देख रहे हो, कैसे से सलाह दे रहे हैं ये लोग आपको। आई मीन इट्स सीरियसली टाइम दैट टोयोटा शुड स्टॉप मेकिंग कार्स। और ये मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि ऐसे 3 इंडिपेंडेंट सर्वेज हो चुके हैं जहां नेक्सॉन के स्पेयर पार्ट्स का प्राइस ब्रैकेट स्कोडा रैपिड और फॉक्सवैगन बेंटो से भी ज्यादा एक्सपेंसिव पाया गया है। मतलब हम लोग गालियां देते हैं स्कोडा और फॉक्सवैगन को कि उनकी मेंटेनेंस महंगी है, नेक्सॉन की मेंटेनेंस उनसे भी ज्यादा महंगी पाई गई है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता, ये 3 बड़े इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स और मीडिया हाउसेज भी कहते हैं। और टाटा की आफ्टर सेल्स और मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है इसके बारे में मुझे वैसे भी ज़्यादा इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, व्यूअर्स आई गेस इतने अवेयर खुद ही हैं कि उनको पता है कि आफ्टर सेल्स में टाटा इज, और लोग ऐसे चैनल्स पे भरोसा करके गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। गॉड सेव द व्यूअर्स, आमीन। इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, इस गाड़ी में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आते हैं जो आपको चाहिए। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन 2018 और ये सब जो फीचर्स दिए हुए काफी अच्छे, देयर इज नॉट मच टू कंप्लेन। सनरूफ भी आ चुका है एक स्पोर्ट में इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, सो फोर्ड ने काफी बढ़िया काम किया है ऑन दिस फ्रंट एंड दे डूइंग अ गुड जॉब सो फार।